गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लेट अस कंटिन्यू एक्सरसाइज 10A। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस 17.5 मीटर इन डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेकामीटर, हेक्टामीटर एंड किलोमीटर। आपको टेबल याद होगी, मैंने आपको पिछली क्लास में समझाई थी, किंग हैरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच। अब हमें मीटर से डेसीमीटर में जाना है। मीटर देखो मदर और डिडंट में डेसीमीटर। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 10। 17.5 में कितने हो जाएंगे? 17.5 मल्टीप्लाई 10, 175 को 10 से मल्टीप्लाई किया, आया 1750। अब 5 एक डिजिट से पहले पॉइंट है, तो यहाँ पे भी एक डिजिट, लास्ट की एक डिजिट छोड़ के पहले पॉइंट लगा देंगे, तो 175 डेसीमीटर हो जाएगा। अब इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 17.5 मीटर में 17.5 इंटू 100 सेंटीमीटर 17,500 सेंटीमीटर। लेकिन अब दो डिजिट है, सॉरी एक डिजिट से पहले पॉइंट है, तो यहाँ पर भी लास्ट की एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, 1,750 सेंटीमीटर हो जाएगा। थर्ड, 1 मीटर में 1,000 मिलीमीटर होते हैं, 17.5 मल्टीप्लाई 1,000 175 को 1,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 175 पीछे 30 आ गई। अब एक डिजिट से पहले पॉइंट है, तो यहाँ पे भी एक डिजिट से पहले पॉइंट लगा देंगे, मिलीमीटर। तो आपका आंसर आ जाएगा 17,500 मिलीमीटर 1 मीटर। अब इसको हमें डेकामीटर में चेंज करना है। 1 मीटर अब उल्टा जाना है डेकामीटर में, तो 1/10 डेकामीटर 17.5 दे रखा है, 175 पॉइंट हटा के मैंने नीचे 10 लगा दिया, और 10 ही डेकामीटर होते, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 175/100। अब नीचे 2 जीरो है, तो 2 डिजिट से पहले पॉइंट लग जाएगा, लास्ट की 2 डिजिट छोड़ के 1.75 डेकामीटर। अब इसको हमें हेक्टामीटर में चेंज करना है और किलोमीटर में। मैंने पहले किलोमीटर में कर दिया। 1 मीटर में 1,000 किलोमीटर होते हैं, 17.5 में 175/10 हो जाएगा इंटू 1,000, 175/10,000। अब नीचे 4 जीरो लग, 4 जीरो है, तो 4 डिजिट से पहले पॉइंट आना चाहिए। अब डिजिट दे रखिए 1753, तो एक आके 0 लगा देंगे, तो आ जाएगा 0.017 किलोमीटर। एफ पार्ट दे रखा है 1 मीटर, 1 मीटर में 1/100 हेक्टामीटर होते हैं, 17.5 मीटर में 175/10 इंटू 100, पॉइंट को हटा के नीचे 10 लगा दिया, और 100 हेक्टामीटर होते हैं 175/1,000, तो 0.175 हेक्टर। क्वेश्चन नंबर 7, अ रिबन वॉज 23.7 मीटर लॉन्ग, इट वॉज कट इन टू 4 पीसेज ऑफ 3.9 मीटर, 14.2 मीटर, 2.9 मीटर एंड 1.08 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ रिमेनिंग रिबन। देखो आपको लेंथ दे रखी है एक रिबन की 23.75 मीटर, 23.7 मीटर। इसको काट दिया 4 पीसेज में, 3.9, 14.2, 2.9 एंड 1.08। इन सब को ऐड करने पर आया 22.08 मीटर। उसने पूछा बाकी कितना बच गया, 23.7 में से 22.08 माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा 1.62 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8, कन्वर्ट 98 किलोमीटर टू हेक्टामीटर एंड डेकामीटर। अब 1 किलोमीटर में 10 हेक्टामीटर होते हैं, तो 98 किलोमीटर में 98 मल्टीप्लाई 10 980 हेक्टामीटर। 1 किलोमीटर में इसको डायमीटर में चेंज करना है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 डायमीटर, 98 मल्टीप्लाई 100 9800 डायमीटर। क्वेश्चन नंबर 9th, कन्वर्ट 1249 मीटर टू हेक्टामीटर, डायमीटर एंड डेसीमीटर। 1 मीटर में 1/100 हेक्टामीटर होते हैं, तो 1249 में 1249/100 हेक्टामीटर। तो लास्ट की 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि नीचे 2 जीरो दे रखे, 12.49 हेक्टामीटर। 1 मीटर में 1/10 डायमीटर होते हैं, 1249/10 हो जाएगा, नीचे 10 है, तो लास्ट की एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, 124.9 डेकामीटर। अब 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, तो 1249 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12,490 डेसीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम द सम ऑफ 89.02 मीटर एंड 10,337 सेंटीमीटर, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 832 डेसीमीटर एंड 41.58 मीटर। फर्स्ट केस दे रखा है आपको 89.0, अब हमें ऐड करना है सम 89.02 मीटर और 10,337 सेंटीमीटर। आपकी मर्जी है, चाहे आप मीटर में कन्वर्ट करो या सेंटीमीटर में। मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 89.02 मीटर दे रखा है, 10,337 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं,
तो 10,337 में कितने हो जाएंगे, 103.37 मीटर। अब लिख दिया 103.37 मीटर, इन दोनों को ऐड किया तो आया 192.39 मीटर। अब उसने आगे क्या कह रखा है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, सम करना है 832 डेसीमीटर एंड 41.58 मीटर। 41.58 तो पहले मीटर में दे रखा है, अब डेसीमीटर से हमें मीटर में जाना है। 1 डेसीमीटर में 1/10 मीटर होते हैं, तो 832 में कितने हो जाएंगे, 8.83.2। तो 83.2 को ऐड किया तो आया 124.78 मीटर। अब उसने क्या बोला, सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों को, जो हमारे आंसर आए हैं। फर्स्ट केस का आंसर आया था 192.39 मीटर, सेकंड केस का आया था 124.78 मीटर। इनको माइनस किया तो आपका आ गया 67.61 मीटर। थैंक यू।